आप लोगों का इस्तकबाल देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं मुस्कुराऊं, हंसूं, खुशियां मनाऊं, लेकिन जो आज हुआ वो बहुत तकलीफ देता। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसकी वालदा का फोन आया जो कि जारो कतार रो रही थी कि छेती कहाँ राजा, छेती आजा, मेरे पुत्र नु कुछ हो गया, मेरे पुत्र नु कुछ हो गया, मेरे पुत्र इमरान पुत्र, छेती पहुंच, छेती पहुंच। अब मैंने गाड़ी भगाना शुरू की उनके घर की तरफ, तो रास्ते में उसकी बहन का फोन आया जो बहुत ज्यादा रो रही थी कि भाई ने कुछ हो गया, भाई ने कुछ, तुझे अस्पताल पहुंचो, भाई ने कुछ हो गया तुझे। मैंने गाड़ी अस्पताल की तरफ लेके गया, वहां पहुंचे तो मेरे दोस्त को स्ट्रेचर पे लिटा रखा था सर, स्ट्रेचर भाग रहा है, साथ साथ मां रो रही है, भाई रो रहे हैं, मेरी आंखों में भी आंसू, इंसान हूं। हम उसे लेके दरवाजे के पास गए, डॉक्टर के कमरे में भेजा, उन्होंने कहा आप लोग बाहर रुके, बाहर रुके, बाहर रुके। अब सुनने में ये आ रहा था, सिम्टम्स ये बता रहे थे कि उस जवान साला मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर साहब बाहर आए, बाहर आए तो मुझसे आके कहने लगे कि क्या लगते हो तुम इसके। मैंने कहा बचपन का दोस्त है, भाई है मेरा। डॉक्टर साहब हार्ट अटैक कहते नहीं, गैस हुई। ये जितने भी लोग हैं जो वहमी हैं, जिन्हें ये लगता है, कुछ लोगों को शौक होता है ना कि ऐवी सिंपथी लेना या ऐवी वहम कर लेना कि हल्की सी यहां पे दर्द हुई तो मैनू हार्ट अटैक हो गया, मैनू सांस ही नहीं आ रहा, मैनू कितने खुदा ना खास्ता कैंसर तो नहीं हो गया। ऐसे हजारों लोग हैं, मेरी इल्तिमास है उन तमाम वहमियों से, मेरे भाई मेरे बहनों, इस वहम पे कंट्रोल करो। तुम लोग तो आवाज लगा देते हो कि शायद मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है, शायद मेरे लीवर में मसला हो गया है। आपको कुछ नहीं हुआ होता, वो आवाज अगर खुदा ना खास्ता आपकी मां की समातों तक पहुंच जाए तो वो जी तो रही होती है लेकिन जी नहीं रही होती। मां तकलीफ में, बहन भाई तकलीफ में, दोस्त तकलीफ में, सिर्फ और सिर्फ आपके वहम की वजह से। वहम से बचिए, अपनों की, अपने प्यारों की खुशियों का ख्याल रखें, उन्हें बिला वजह परेशानी और टेंशन मत दीजिए। दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से, मजाक रात की इस खूबसूरत टीम की तरफ से खुश आमदीद। अरे ओ शेरा, आए 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 आए। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। सलाम आयशा, अस ओ ये 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 बात ऑन सा ये कम और सबसे आखिर में फेरून कुछ कहना चाहना आज बता, उन्हें पता की क्या को सरदार साहब, ये जो लोग जो बिला वजह जिन्हें बीमार होने का शौक होता है सिंपथी लेने के लिए या वहम के लिए जी, जो वहम है क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखो जी, वहम दा इलाज ते हकीम लुकमान को भी नहीं है। हनी साहब जेडे ने बड़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं, बल्कि दुआ भी करो, ये वहमी ने एवं रात सुत्या पाया पूरे घर को परेशान कर दे, छत कौन छत कौन छत कौन छत कोई भी नहीं हों, एवं रौला पा दे, एफरे चो कि नहीं कुछ कड़िया, एफरे चो कि नहीं कड़िया,
ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਣ ਪਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਣ ਪਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੱਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ मुझे आपको देख के वहम होता है कि मेरे बाल ना उड़ जाए ओए 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 ज्यादा पैसे ले ले रहे पाकिस्तान दे किसी भी प्रोड्यूसर किसी भी इंसान को इन्ने पैसे नहीं कि इस शख्स ने पाकिस्तान लिए जिहड़ियां खिदमात पेश कीतियां ने ओदा एडवांस भी दे सके पेमेंट तो की देनी है पेमेंट तो की देनी है और मैं एक अदना सा अदाकार मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस शख्स का इंट्रोडक्शन दे सकूं, इस शख्स का तारुफ दे सकूं, जो काम इस शख्स ने हमारे मुल्क के लिए हमारे लिए नस्ल दर नस्ल सालों पहले भी सुपरस्टार उसके बाद भी सुपरस्टार आज भी सुपरस्टार और इंशाल्लाह ताला साला साल तक ये शख्स सुपरस्टार रहेंगे जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया हर इंसान पे मुश्किल का वक्त आता है हर इंसान पे मुश्किल पड़ती है कोई इंसान इतना बड़ा नहीं होता कि बड़ी से बड़ी मुश्किल के साथ मुकाबला कर सके मेरे पे भी एक मुश्किल आई तो इस शख्स का सिर्फ फोन नहीं आया सर मेरे घर के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे घर के बाहर बैठे हुए थे इनका अपना बेटा बहुत बड़ा हीरो है लेकिन ये इंडस्ट्री के हर हीरो के लिए बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं जैसे अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं मैं इनकी एक्टिंग के करियर का कोई तारुफ नहीं दूंगा मेरी इतनी औकात नहीं है शेरा रेड कार्पेट में चला जाए सब स्टैंडिंग ओवेशन Thank you, sir. Thank you. Thank you. किसी ने कुछ किया है ते किसी ने कुछ किया है किसी ने कुछ किया है ते किसी ने कुछ किया है इधर ते देखो फुल दे सिर ते फुल पे आए यार क्या जिंदाबाद सर इजाजत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और माशाल्लाह दुनिया टीवी का बहुत शुक्रिया और चेंज आया है मजाक रात में और बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है और इतनी खुशी है अपने बच्चे की कि इसने इतनी एनर्जी के साथ किया है आप लोग तो माशाल्लाह जाने माने हैं अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे लेकिन जो सपोर्ट की वजह से इसने प्रोग्राम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया क्या बात पूरी टीम ऑफ कोर्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम
सारी टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके ये अल्फाज हमारे लिए, इस शो के लिए ये एक अवार्ड। नहीं, शुक्रिया, आप लोग मेरे बहुत पसंदीदा हैं, बहुत दिल के करीब हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वालिद साहब अल्लाह गरी के रहमत करे और सबके वालदैन को। अलबेला साहब, क्या बात, तो मुझे बड़ा मजा आया। जितना छोटा रेड कारपेट लेके आया उतना ही रेड कारपेट। आपकी मोहब्बत में वो लेकर आया, इस पे वो सोता है। सर, सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे मुल्क का कोई ऐसा कानून होता कि हॉट होने पे सजा मिलती, आज आपने अंदर हो जाना था सर। मैं बहुत से टॉक शोज में गया हूँ, खुदा गवाह है, टाई पहन के पहली बार आया हूँ बिकॉज ऑफ हिम। और जो सबसे अच्छी टाई मुझे लगती है, खासी पुरानी है लेकिन एसेट है ये। गेम है सर, जरा तालियों में बताए ना तो कैसे लग रहे हैं। और सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल, इसको देख के इंस्पिरेशन आया मुझे शोज देख, सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान को मैं ऐसा मैंने देखा नहीं कभी, बहुत शैबली एंड यू नो एक लावबाली, लावबाली, यस। तुमने वजन भी कम किया है, ये भी बहुत जरूरी था। आपने कहा था, याद है आपको, एक हम किसी तकरीब में थे, मैंने तो इनको बहुत कुछ कहा है। बड़ों की बात मानने में बरकत हो जाती है। तो तू मन्ने सरदार साहब की अच्छा। पूरी औलाद नहीं है ना दी मान दी। क्यों? आज सारे अंदर ने। शुक्र है घर के अंदर रहना चाहिए, तेरे वो वारा नहीं फिरना चाहिए। 2009 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड। क्या है, क्या है जो रह गया सर? अल्लाह ताला ने आपकी झोली में एक फनकार के लिए जो जो कुछ होता है, असल में जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि ये अवार्ड भी जाहिर है बहुत हैसियत रखते हैं, लेकिन जो आवाम से मिलता है ना प्यार, वो है सबसे बड़ा अवार्ड। बहुत से अवार्ड होते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, अपने अपनों को बांटते हैं, वो ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन जो आवाम का प्यार होता है, जो आपको डायरेक्ट मिलता है, वो है सबसे बड़ा अवार्ड। वाह वाह, क्या बात सर, कैसे, क्या बात, पहली दफा ऑडिशन दिया, कैसे पहुंचे शो, नहीं। पहला दिन बताए ना कि कैसे कास्ट कैसे हुए। मैं तो एक वो फैंसी ड्रेस शो था, ये 1968 की बात कर रहा हूं, जब पीटीवी कराची का शुरू हुआ था, तो उसमें हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते थे, तो वहां पर प्रोड्यूसर भी रहते थे, आफ्ताब अजीम साहब मरहूम, सीनियर प्रोड्यूसर थे। जी जी। वो 10-12 बच्चों को ले गए थे, तो मैं पठान बन के गया था। अच्छा, पता नहीं था क्या था। और वहां पर इशरत अंसारी साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे पीटीवी के, उन्होंने फिर एक प्ले में मुझे कास्ट किया उसी दिन, और फिर ये काम शुरू हो गया, पता ही नहीं चला, आधी सदी गुजर गई। लेकिन माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इससे पहले कि मैं ये कहूं कि कायम यार अल्लाह की कसम है पाइन ताडी मेहरबानी। अच्छा, नहीं मैं घर भी नहीं दस के आया। इससे पहले कि मैं ये कहूं जी, थैंक यू, ब्लेस यू, जीते रहो, थैंक यू, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ पाकिस्तान का असासा, द लिविंग लेजेंड, द मैन ऑफ द मैन्स, द किंग ऑफ द रिंग, बहरोज सब्जवारी साहब मौजूद हैं। देखते रहिए मजाक रात। थैंक यू, थैंक यू। बहरोज सब्जवारी साहब जब अकेले होते हैं, अपने आप पे आप यकीनन तनकीद करते होंगे जैसे आप इंसान हैं, क्योंकि आपने जितनी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, ये अपने आप पे तनकीद के बगैर नहीं गुजर सकती। अपने आप को किस बात पे दाद देते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की है वो क्या है?
शो बिजनेस में रहते हुए जो मेरा अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि कोई उंगली नहीं उठा सकता मुझ पे। ओए ये मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा है। सर वैरोज साहब, एक फैमिली में एक स्टार हो, आपकी तो पूरी फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जो मेरी बेगम है सफीना, वो उसके दो भाई एक्टर हैं, तो वो एक्टर्स की लाइफ को समझती है बचपन से ही। अरे वाह, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा उससे शादी करने का एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ऐसी खातून मेरी जिंदगी में आए जो हमारी जिंदगी को समझती हो। आप सब शोबिज वाले हो, मुश्किल जिंदगी होती है, दिन रात एक नहीं होते हैं। जी yes. ऐसा है ना? खुदा के लिए ये बात दोबारा रिपीट करके कहें कि हमारे घर वालों को पता चल नहीं मैं पायन जी ने 40 साल से नहीं चले, आज की तो चल रहा तालियां। मैं तो हैट्स ऑफ है उन लोगों के लिए जिनकी दो दो बीवियां हैं यार। हाँ जी, हैट्स ये बैठे बेशक हमने इसीलिए कहा। You are a living legend for us. आपने बहुत ज्यादा projects किए हैं, बहुत ज्यादा किरदार अदा किए हैं। कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके दिल के अभी तक बहुत ज्यादा करीब है? मैंने एक सीरियल किया था, उसका नाम था मंडी। आए। वो 1993 में रिलीज हुआ था पीटीवी का। उसमें यंग टू ओल्ड था पहली बार मैंने, यानी 20 साल का लड़का था उसमें, और फिर 60 साल तक वो था, तो वो मुझे लगता मुश्किल था मेरे लिए, तो मुझे इसलिए याद है। सर मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आप? मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी हो ही नहीं सकती यार। हैं? हाँ है ना बच्चे, लेकिन वक्त पे। तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत सो को होती है, और मेरे ख्याल से जिंदगी में सबको होती है। जब आपसे किसी को यकतरफा मोहब्बत हुई और उसने अपनी मोहब्बत का आपके सामने आके अपनी आंखों में सच फैला के इजहार कर दिया, तो उसकी मोहब्बत को टालने का तरीका कर क्या था? अगर किसी को मुझसे अव्वल तो हुई नहीं। नहीं ऐसा नहीं हो सर, सोने दे दे। फिर उन्होंने इजहार नहीं किया यार। अच्छा, अगर हुई होगी तो इजहार नहीं किया और मुझे पता नहीं चला। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने तैयारी से सर्टिफिकेट लेके फिरता हूँ। समझे 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 क्या? कि आई लव यू बेटा, आई ऑल्सो लव यू। आपकी नफासत शराफत पे हम यकीन रखते हैं। शुक्रिया। लेकिन दिल में कोई ऐसा कभी क्रश हो आए जो आज तक कभी नहीं बताया और आज भी ना बताए, लेकिन हाँ या ना उसका जवाब दे दे। मैंने खुदा की बस्ती जब की तो वो मेरा पीरियड था कि आप टीनेज से निकल के जा रहे होते हैं, है ना, मैच्योरिटी की तरफ, पक्की उम्र की तरफ। हाँ, बहुत सी 3-4 खवातीन थी टीवी की। अच्छा, कौन कौन? नहीं नहीं, कौन कौन? वाकई जिसको कहते हैं ना क्रश, इसी मौके को तो हैंडल करना वो जानते हैं। हाँ, अरे क्या बात है। हालांकि उनको मैंने पता नहीं चलने दिया। उनके साथ काम किया फिर बाद में? उसमें से मेरे ख्याल से ज्यादातर तो मेरी माँ का किरदार अदा किया। छोटा सा फनकारों के लिए मैंने लिखा है, खुशी में गम मिला लेते हैं थोड़ा। खुशी में गम मिला लेते हैं थोड़ा, ये सरमाया बढ़ा लेते हैं थोड़ा। वाह वाह वाह।
अंदर है अंदर रोशनी बाहर अंधेरा, सो दोनों को मिला लेते हैं थोड़ा थोड़ा, अपनी खुशी भी किसी को दे दी, अपनी खुशी भी किसी को दे दी, बाय दिस यू कोला वेरी दी। और सर क्या मसला है, क्या मसला है आप? आप सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारा ये दौर चल रहा है, आखिर हमारे कोलो फिल्म इत्तेहाद क्यों है सर? हाय हाय हाय, क्यों है सर जी? क्यों हम जो बात कहते हैं उस पे अमल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये एक बुराई है सर, ये एक बुराई है, ये एक बुराई है हमारे मुआशरे की, इखलाकी गिरावट की बुनियादी वजह है। हर तबके के हर शोबे से वाबस्ता इंसान उसके कोलो फिल्म इत्तेहाद है, इसीलिए कोई भी किसी पे यकीन नहीं करता। क्या बात सर, इस पे मैंने लिखा है, सिर्फ खलकत में नाम करने को, सिर्फ खलकत में नाम करने को कुछ भी कहने से हम नहीं डरते। आए आए आए, वाह, बातें करते हैं हम मुतासिर कुन, बातें करते हैं हम मुतासिर कुन, लेकिन उन पे अमल नहीं करते। क्या बात है, क्या बात, वाह, क्या बात। न जाने क्यों ये आदत है इतनी बढ़ गई, नशे सी जड़ गई है। क्या बात है, इशारा करन जांदा ते नच के आ जांदा। और सर ये अलमिया है सर, तो सर जब ये था सर जी, तो फिर इसका असर जो है ना वो बच्चों पे पड़ता है, या बच्चे नक्शे कदम पर चलने लगते हैं या फिर नफरत करने लग पड़ते हैं सर। बच्चे जब नफरत करने लग जाए ना, दोनों सूरतों में सर नुकसान मुआशरे का ही होता है। वाह, एक आखिरी शेर है छोटा सा, हर घड़ी कोई सितम इजाद हो, हर घड़ी कोई सितम इजाद हो, फैसल उनकी कोई इज्जत नहीं जिनके कोलो फेल में तादाद। वाह 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 वाह, हर घड़ी कोई सितम इजाद हो, फैसल उनकी कोई इज्जत नहीं जिनके कोलो फेल में तादाद हो, बदलनी होगी हमें ये आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, देखते रहिए मज़ाकरात। वेलकम बैक टू मज़ाकरात, देखते रहिए। अबे हाथ नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, कैसे नहीं जाने देगा? बेचता हूँ, अरे पान बेचता हूँ, लबों की शान बेचता हूँ, कत्था नहीं है मेरा, खुदे जिगर है यारो, आपकी खातिर मैं जान बेचता हूँ। आदाब आदाब आदाब, माफ कीजिएगा ये गुस्ताखी हमने की है, हमें पता चला आज बेरोज भाई आए, हमने दुकान बंद कर दी। आए ऊपर लिखा है कि बेरोज भाई के आने की खुशी में आज दुकान बंद रहेगी। अरे वाह वाह वाह, और हम आज पबंदे सलासल भी होते ना, अरे हम दीवारें फिलांग के आ जाते। क्या बात है, क्या उर्दू पे पबंदे सलासल, क्या बात, पबंदे सलासल, हम दीवाने आपके, शुक्रिया, आज से नहीं शुरू से दीवाने, शुक्रिया। आप तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे रंगीन नजर आते थे, अरे तब भी रंगीन नजर आते थे, आज एवरग्रीन नजर आते हैं। तोहफा लेके आऊं, अरे क्या तोहफा लाए आप? पान बेचता हूँ, पान बेचता हूँ, माशाल्लाह, तोहफा लेके आऊं एक, बहुत बहुत शुक्रिया, कबूल फरमा लीजिएगा। बहुत, अरे एक पान है,
ये तो पूरा ही लगा दिया आपने पान। कोई नहीं, साथ कराची ले जाइए, आधा आधा करके खाते रहिएगा। पान है, मैं समझा बिल्ली छोड़न आया। मैंने पहले से बिल्लियां दो छोड़ी हैं, अब वो शो में काम कर रही हैं। भाई इमरान, मजा आ रहा है शो का। आपने, मुझे मालूम है कि आपने जाना है, आपकी 9 बजे की फ्लाइट है, मगर थोड़ा सा आपने मेरे साथ चलना है। अभी नहीं, शो खत्म करके चलेगा ना? कहाँ जी? एक नई दुकान बनाई, उसका आपने इफ्तिताह फरमाना है जी। ठीक। और थोड़ा घर चलना मेरे साथ। घर क्यों? एक बच्चे की सालगिरह है जी, बस उसके लिए थोड़ा सा आपने कहना है जीते रहो जी, और थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने मेरे साथ जाना है। मेरे खुश दामना बीमार है। अच्छा। उनकी इयादत फरमानी है जी। और थोड़ा सा टाइम निकाल के जी, आपकी भाभी और मेरी बीवी नाराज होके गई है, आपने सुलह करवा के जाना। और थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने 2-3 महीने इनके साथ ही रहना है। फिरोज भाई बेहतरी ये चाहिए था, पान वापस कर दो। थोड़ा सा एक और काम करना है जी, फरमाइए। एक बंदे का मैंने 2 लाख देने जी, वो आपने अपनी तरह मान लेने। थैंक यू। तुसी 5 मिनट कट के ना मेरे वाल जाना। क्यों? मेरे नाल एक बंदे ने मैनू फायर मारना, मैं तुहानू मरवाउणा। अच्छा, अगर आप शो से फारग हो जाए तो आप भी तशरीफ लाइएगा। क्यों जी? कत्था लगाने वाली मेरी चमची गूंगी है, उसको। मैं आपका इंतजार बाहर कर रहा हूँ। आपने दिल नहीं तोड़ना, मेरे साथ जाना जरूर है। जरूर, मान गए। अच्छा भाई जान, अक्सर औकात ऐसे परिस्तार मिल जाते हैं, जैसा ये अभी गया है, तो फिर क्या करते हैं? नहीं, अक्सर तो परिस्तार ऐसे मिलते हैं कि माँ बाप ने पहचान लिया, सबके साथ होता होगा जी जी, और गोद में 2 साल का बच्चा है, कहते हैं कि इसने सेल्फी बनवानी है। यार उस बच्चे को क्या पता कि कौन हूं मैं। वो आगे से कर रहा है। हाँ। बच्चा डर के मारे रोना शुरू कर देता है यार। कि ये क्या करवा रहे माँ बाप मुझसे। अच्छा, मेरे साथ भी बड़ी हुई है ये। अच्छा, बच्चे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके यहां तक तो बात ठीक है, जो बच्चा आगे से 2-3 बच्चों ने मुझे जलील किया है, वो कहते ये आपके बहुत ड्रामे देखता है। वो आगे से क्या कर रहा है मुझे, बेटा तस्वीर खिंचाओ। मैं बिल्कुल सही है। अच्छा, कभी 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 तो ये भी होता है माँ बाप, आप बच्चों को बेटा पहचाना? नहीं। और ये बहुत होता है। अच्छा, ये तो है ना, बच्चे फैन जो होते हैं उनका ये है, बड़े भी ऐसे मिलते हैं कि माशाल्लाह आप लोग टेलीविजन फिल्म आपको मिलते, डिसेंट लोग मिलते हैं, हमें तो ऐसे ही मिलते हैं। मैनू मिलेगा कि बंदा कहता ओए सखावत ना आया भाई, रोटी तो बगैर मैं नहीं जान देना। अच्छा, मैं कहा भाजी नहीं, मैं नहीं नहीं रोटी तो बगैर, मैं कहा भाजी मैं खा के आया, कहता नहीं मैनू लिया के देनी। बेरोज साहब, फिल्में भी आपने बहुत सारी की, लाहौर में भी काम किया आपने आके, फिल्म इंडस्ट्री में जी। जो फिल्म इंडस्ट्री का हाल हुआ, दुख तो होता होगा देख के? नहीं, बहुत दुख होता है। असल में हमारा और आपका काम जो है ना, वो डेडिकेशन का काम है। वाह। और हर काम में नियतों का बड़ा अमल दखल होता है। वाह, क्या? अगर आपकी नियत साफ है तो आपका काम बहुत अच्छा होगा और उसमें बरकत होगी। मैंने जो देखा, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो जबूहाली पे पहुंची, जो उसकी वजह ये थी कि आप प्रोड्यूसर को ये फिल्म बनाने आया, 2-2 साल आपने खींच दिया उसको, है ना? ऐसा ऐसा हुआ, डेटे नहीं दी, डेटे नहीं, मकसद है वो बेचारा आ रहा है, पैसे दे रहा है उसको, खाई जा रहा है उसे, आप रगेत रहे, तो ये तो होना था। और कितने टेक्नीशियंस थे बेचारे, जो बेचारे बिल्कुल
किसी काम के नहीं थे वो, वही काम मतलब इस कदर फ्रॉड, इस कदर फ्रॉड हुआ है कि क्योंकि एडिटिंग तब होती थी ना, नेगेटिव की एडिटिंग होती थी, तो उसपे वो लगता था केमिकल, उसको सीमेंट बोलते थे, तो वो प्रोड्यूसर आया तो उसने कहा जी सीमेंट खत्म हो गया मंगवा दे, तो बेचारा मासूम था, उसने कितनी बोरियां चाहिए उसने, उसका घर बन रहा था एडिटर का, उसने कहा 200 बोरी चाहिए, उसने 200 बोरी मंगवा दी उसको सीमेंट की, शायद ये फिल्म में लगनी है, तो इसके हालात इसीलिए खराब हुए कि फ्रॉड करते रहे, झूठ। जब आप प्रोड्यूसर को ही मार देंगे हाँ, तो फिर कौन आएगा दोबारा? आप मजाक रात के सेट में हो, ये तो हमारा नसीब खुला ना सर आज। हाँ, जी माशाल्लाह सही है। तो हनी साहब आगे आप बात बताएं। आप अगर हमारी स्पॉट लाइट को इज्जत बख्शें जरूर, और हमारे लिए तो बहुत फख्र की बात होगी। शेरा क्योंकि आज वो लाइट उसके रंग ही और हो। अरे बहरोज साहब है सर, बहरोज साहब है, आइए माइक ला जाए शेरा। कोई बहरोज साहब द स्पॉट इज योर्स। जा बिछड़ जा मगर ख्याल रहे, जा बिछड़ जा, बिछड़ जा मगर ख्याल रहे, यूं ना हो उम्र भर मलाल रहे। घर समंदर है मंजिल तुम्हारी, घर समंदर है, समंदर है मंजिल तुम्हारी, तो दरिया सबसे सीधा रास्ता है। क्या बा क्या बा, कोई बात नहीं होता है बेटा कहीं ना जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के द लिविंग लेजेंड बहरोज सब्जवारी साहब। मजाक रात में मौजूद है, बिल्कुल देखते रहिए क्या सर मजाक रात ये बात। मजाक रात में आप वापस आए, बाहर आ गई, देखते रहिए मजाक रात। बहरोज साहब जनाब, ऑडियंस मद्दा माशाल्लाह, व्यूअर्स यहां मोस्टली यूथ बैठी है, यूथ है सर, और सबसे ज्यादा तवक्कात हमें यूथ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जेड़ा कहते मैं डॉक्टर बनना, तो देखना सरदार साहब अलग पे मेरी भाई चंदी है ना, क्या करे डॉक्टर बन गए तो मरीज से आप बैठा नहीं नहीं समझते ने पे यंग जनरेशन है, मेरे लिए इस वेखते ने कि अगर मैं डॉक्टर बन जाएगी तो यह बंदा जो इन पागलों के नाल क्यों बैठा है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मरियम है। क्या कहना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन सर बहरोज से है कि सर आप मुझे कबाचा की एक्टिंग करके दिखाएं। आपका आज भी सर ये तो हम भी चाहते हैं। आज भी सर ये तो हमारी भी ख्वाहिश है, ये तो सबकी ख्वाहिश। अस्सलाम वालेकुम, यही कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? माय नेम इज सना। सना माय नेम इज इमरान अशरफ। माय नेम इज टेंड टेंड। हां क्या कहना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने इतने ड्रामों में रोल प्ले किया है, आपको सबसे मुश्किल करेक्टर कौन सा लगा? देखो बेटा सारे कैरेक्टर मुश्किल होते हैं यकीन जाने। अगर आप कोई हैंडीकैप रोल कर रहे हैं या विलेनिश कर रहे हैं तो उसमें बहुत मार्जिन होता है, लेकिन जब आप एक प्लेन रोल कर रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वो मेक बिलीव कराना होता है ऑडियंस को। तो मैं तो अब भी ये समझता हूँ, जब भी कोई नया ड्रामा या सीरियल मिलता है मुझे तो मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, स्पेशल सिर्फ बहावलपुर से आया हूँ आप सबके लिए। और गाना सुनाना चाहूंगा आपको, खुद लिखा हुआ है गाना मैंने। माशाल्लाह।
सुनाइए ना। शक्ल तो बच्चों का जॉनी लिए लग रहा था। जी प्लीज। मैं ना जानू ना पहचानू, मैं ना जानू ना पहचानू, तू है मेरा कोई और है तू, एक बार मिलके गले से लगा जा, आजा आजा माही तू आजा, आजा आजा जाना तू आजा, तेरे बिन अब दिल ये कहीं भी, तेरे बिन अब दिल ये कहीं भी लगता नहीं है मेरा जिया भी, वादा किया था कसमें भी दी थी, वादा किया था कसमें भी दी थी, फिर क्यों गए हो मुझे बिन बताए। माशाल्लाह एडी अच्छी आवाज है, बस ऐनक दो साल वड्डी ला ली। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा एहसान। क्या करते हैं आप सर? मैं सर बैंकर हूँ। सर क्या कहना चाहते हैं? मेरा बहरोज साहब से सवाल है कि शहरोज के साथ तो आपका वो बेटा है आपका, उसके साथ तो मोहब्बत है ही आपकी, लेकिन नूरे के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग है? असल में मल्टी वाइटामिन्स लेनी पड़ती है 60 साल या 55 साल के बाद, तो ये जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना वो आपके मल्टी वाइटामिन्स होते हैं। क्या बात। और नूरे और जहरा दोनों जान है हमारी, जाहिर है। मैं समझता हूँ कि इस एज में इससे बड़ी अल्लाह ताला की कंपनसेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो फील जो है वो आप बयान नहीं कर सकते। क्या बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक सर। एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बिलीव नहीं कर रही कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं आपके लिए एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। हाँ अच्छा, सुनाएं सुनाएं। एक मेरा यार है एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, रूठे नू मनो ना नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, ओ यारा मेरे हैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से, यारा हैर मंगदा मैं तेरी, यार बिन जीना सिखा दे, ओ यार रब्बा मेरे हैर मंगदा मैं तेरी। अच्छा सरदार साहब के फैन ने भी इनके लिए गाना गाया यही। एक मेरा यार तो बीमार। क्या खूबसूरत आवाज है यार, बड़ा सोज है आवाज में और बड़ा अच्छा टोन है, वोकल टोन बहुत अच्छा है, और अदायगी भी। ये जो आपने हमारे लिए किया है तो हमारी तरफ से भी आपके लिए, ये लो ये लो। जीती रहो जीती रहो। तशरीफ रखे तशरीफ रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती थी, देखें इत्तफाक से मेरे कॉलेज की टीम मुझे यहाँ पे ले आई है। अरे आए 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 अल्लाह। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये एक हसीन इत्तफाक है? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिल के। मैं खुद मैं इतना खुश रहो। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आप ही तो हमारी एनर्जी है माशाल्लाह, आपके लिए तो अब हम हैं। और सर और की ये है सही खून जिससे बढ़ता है, यही आप ही हैं। क्या कहना चाहती हो? मेरा क्वेश्चन सर बेरोज से है। जी जी सर, आपने 40 साल इंडस्ट्री में गुजारे हैं, तो आप हम यंगेस्ट को क्या एडवाइस करेंगे कि हम क्या करें? बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है सच,
बोलें जिंदगी में, कोशिश करें कि सच बोलें, और जो भी काम करें वो पॉजिटिव मैनर में करें और पूरे पैशन के साथ करें, तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा, क्योंकि सच ही कामयाब है दुनिया में। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर एक मेरी मासूमाना सी ख्वाहिश है कि डीजे सर अगर कुछ बोल बोल दें एक सॉन्ग के, कदिया मिल सावर यार वे। आए सर। ओ कदिया मिल सावल यार वे, कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। थैंक यू दरोज सर। जनाब खुदा करे कि आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, सर आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ऑन साहब क्या गाते हैं सर? क्या बात है, आई एम हिज फैन। हां ओ फैन बेरोज साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है, 100% माशाल्लाह। रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए।